नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डैक्स में। सो फ्रेंड्स, आज यानी कि डेट 4 अप्रैल 2022 को था यहाँ पर स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर, जहाँ पर आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन ए को आज के साइंस के पेपर के। फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बने रहेगा वीडियो में एंड तक, ताकि यहाँ पर बताया हुआ सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। एंड इसके अलावा अगर आप हैं हमारे चैनल पर न्यू एंड अभी तक चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल पर जुड़ जाइए एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, बिकॉज यहां पर आपको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आफ्टर 10th भी जो है वो मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फटाफट सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से, जहां पर डूएस्ट डायरेक्टिव में हमें फर्स्ट दिए गए थे ऑप्शन वाले क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पे कि पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ विच इंसर्ट गैस टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर के लिए ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। सेकंड यहाँ पे की ब्यूटेनॉन इज अ 4-कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ अगर नॉन जो है पीछे लगा हुआ है, यानी हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटॉन। इसके बाद में यहाँ पे थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। करेक्ट यहाँ पे फ्रेंड्स इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। देन यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सेल्स इन सोलर पैनल। फ्रेंड्स सोलर पैनल के इंटरकनेक्शन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है सिल्वर का। देन यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 cm इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एंड इमेज फॉर्म्ड। करेक्ट यहाँ पे फ्रेंड्स इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 cm। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। करेक्ट यहाँ पे फ्रेंड्स इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 cm। देन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ फर्स्ट है डैश इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट एरोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यहाँ करेक्ट इसके लिए फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, निकल। देन यहाँ पे द एलिमेंट डैश हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2, 8 and 2। सो यहाँ इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सेकेंड वाला, मैग्नेशियम। देन यहाँ पे नाइन्थ, डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द अबव डायग्राम। सो ये वाला डायग्राम जो है इसके लिए करेक्ट हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा लास्ट वाला, 4 ohm। देन यहाँ पे टेंथ, इन सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन डैश पेयर्स। तो यहाँ पे करेक्ट फ्रेंड्स इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे 23। देन 11th, डैश मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार, ये होगा कॉनकेव। देन यहाँ पे 12th, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी करंट इज कॉल्ड। सो यहाँ काफी इजी सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस जो है वो होता है हमारा यहाँ जनरेटर। ब्लैंक्स एंड बारी आती है ट्रू एंड फॉल्स की। फर्स्ट यहाँ पे 30 नंबर का, टूथ डिके स्टार्ट्स विद द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ से ट्रू। देन यहाँ पे 14, आउटरमोस्ट सेल ऑफ नोबल गैसेस हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो नहीं दोस्तों, यहाँ ये जो ऑप्शन है ये है रॉन्ग, हम कर देंगे यहाँ फॉल्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस इन द बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस अलोंग द मार्जिन्स ऑफ बायरोफिलम लीफ। सो यहाँ ये वाला सेंटेंस जो ये भी हमारा ट्रू है, हम कर देंगे यहाँ ट्रू। 16th, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल यहाँ करेंगे हम ट्रू। 17, है सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लीड एंड टीन हैज लाइट मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यहाँ ये जो है ये रॉन्ग है, हाई की जगह जो है यहाँ होना चाहिए था लॉ। एब्सिसाइस एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स ग्रोथ, बिल्कुल। सो ये वाला सेंटेंस भी यहाँ है फॉल्स, हम कर देंगे यहाँ सिंपली फॉल्स। सो ये हो जाते हैं 18 तक हमारे ट्रू एंड फॉल्स। बात आती है यहाँ पे वन वर्ड वाले क्वेश्चन की। 19 नंबर का फर्स्ट है, रेड द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर का हमारा करेक्ट फार्मूला जो है वो होगा यहाँ पे CaOCl2। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनल। यहाँ पे इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। देन यहाँ पे 21, आई मेजर द इलेक्ट्रिक करंट विच डिवाइस MI। सो ये होगा आंसर हमारा एमीटर। देन 22nd, राइट द फुल फॉर्म ऑफ AC एंड DC। सो AC का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट एंड DC का होता है यहाँ डायरेक्ट करंट। देन यहाँ पे 23rd, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। सो यहाँ डेफिनेशन हम लिखेंगे, फॉसिल फ्यूल्स सच एज अ कोल और ऑयल दैट वॉज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम डेड एनिमल्स और प्लांट्स इन द ग्राउंड। देन यहाँ पे मैच द कॉलम्स। 24th नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट यहाँ दिया गया है फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन के लिए यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोगायरा। देन यहाँ पे रीजनरेशन, जिसके लिए यहाँ आ जाएगा फर्स्ट प्लेनेरिया। यहाँ इस तरह से 24 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सेक्शन ए के वो हो जाते हैं सॉल्व। कमेंट करके यहाँ पे मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 24 जो है वो कितने मार्क्स यहाँ पे आपने ऑब्टेन किए हैं।
यहाँ इसी के साथ में इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10 के साइंस पेपर का सेक्शन ए जो था वो मैंने आपको करवा दिया है सॉल्व। फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, बाकी के सभी दोस्तों के साथ कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर। एंड हमारे चैनल पर न्यू है तो आफ्टर 10 भी इंग्लिश मीडियम के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बिकॉज इंग्लिश मीडियम का कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। इतना ही रखता हूँ आज की इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट से पेपर सॉल्यूशन के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।